स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऊना जिला मुख्यालय के मिनी सचिवालय परिसर सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों को तिरंगे के रंगों की रोशनी से सजाया जा रहा है। रात्रि के समय इन स्थानों का दृश्य बेहद मनमोहक नजर आता है। जिला प्रशासन द्वारा देश के सबसे बड़े पर्व स्वतंत्रता दिवस को लेकर इस सजावट को अंजाम दिया गया है। न केवल मिनी सचिवालय बल्कि एमसी पार्क स्थित शहीद स्मारक और प्रदेश का सबसे लंबा करौली रामपुर पुल भी तिरंगे की रोशनी में नहाया नजर आता है। मिनी सचिवालय की बहुमंजिला बिल्डिंग पर तिरंगे के रंग रात के समय रोशनी के माध्यम से जो समा बांध रहे हैं, उसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे जो 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस पे हमने जो मीटिंग करी थी, उसमें ये डिसाइड किया था कि हमारे जितने भी ऊना जो ज़िले के सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर हम जो तिरंगे की रोशनी की लाइटिंग करवाएंगे, ताकि हमारे जो ऊनावासी हैं उनमें जो हमारे शहीदों के प्रति, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे सेनानियों के प्रति और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके प्रति जागरूकता भी बढ़ाई जाए और अपने जो देश के जो हमारे महत्व है और नेशनलिज्म को भी हम उसमें प्रमोट कर सकें। तो एक छोटी सी एक पहल थी हमारे यूथ के लिए, ताकि वो अपने देश की भावना से जुड़े रहें और अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दें और नशे से दूर रहें। बस इसी कोशिश में हमने जो हमारे मिनी सेक्रेटेरिएट है ऊना और हमारा जो रामपुर ब्रिज है, हमारे ऊना की जो शान है और हमारा जो शहीद स्मारक है, उसको तिरंगे की रोशनी में हमने रंगा है। और आगे भी हमारा जो जब भी हमारे रिपब्लिक डे और जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होंगे, हम इसी तरह से इनको जो लाइटिंग को परमानेंटली लगवाएंगे और लोगों में यही संदेश देंगे कि वो अपने देश के प्रति जागरूक रहें। धन्यवाद। थैंक यू। मिनी सचिवालय में ये जो रोशनी की हुई है, एक दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना है। कल हम देख रहे थे यहाँ पे लोग सैकड़ों की तादाद में फ़ोटो खींच रहे थे, ऑनलाइन डाल रहे थे, फेसबुक पे डाल रहे थे, और बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत अच्छी शुरुआत थी। ये बहुत अच्छा लगा कि ऊना में एक नई रोशनी के लिए नई रोशनी पैदा की है, बहुत अच्छा। जिला प्रशासन के द्वारा जो मिनी सचिवालय में ये रात को लाइटिंग का तिरंगे के रूप में किया जाना, बहुत अच्छा एक निर्णय है। इससे युवाओं को देश प्रेम की जो एक भावना है वो उत्पन्न होगी, और ये है कि ऐसे जो योजनाएं प्रशासन को समय समय पर करनी चाहिए।